हेलो व्यूवर्स, मैं ग्रीन एनर्जी चैनल से आप सबका वेलकम करती हूँ। आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, बेल आइकन का बटन भी दबा दें ताकि मैं जब भी नई वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मेरी आज की वीडियो पेस्टिसाइड पर है, गार्लिक और एलोवेरा के साथ मैं पेस्टिसाइड बना रही हूँ। मैं जो भी पेस्टिसाइड या फर्टिलाइज़र बनाती हूँ वो नो कॉस्ट 100% प्रॉफिट वाली होती है। मैं घर से निकले सामान से ही ये सब बनाती हूँ, इसलिए इनकी कोई कॉस्ट नहीं लगती। एलोवेरा सकुलेंट प्लांट है, यह ट्रॉपिकल क्लाइमेट में ग्रो करता है। एलोवेरा अगर हमारी खेत की सराउंडिंग यानी चारों तरफ लगा एलोवेरा अगर हमारे खेत की सराउंडिंग यानी चारों तरफ लगा हो तो टर्माइट यानी दीमक नामक कीड़े से बचा जा सकता है, जो कि हमारी फसल को और हमारे घरों को बहुत नुकसान पहुंचाता है। एलोवेरा को एग्रीकल्चरल और मेडिसिनल यूज़ किया जाता है। यह आउटडोर और इंडोर सभी जगह उग जाता है। एलोवेरा में अमीनो एसिड, एग्जाइंस, विटामिन ए, सी, ई और कैल्शियम पाया जाता है। एलोवेरा में अमीनो एसिड, एग्जाइंस, विटामिन ए, सी, ई और कैल्शियम पाया जाता है, जो कि हमारे प्लांट्स की ज़रूरत को पूरा करता है। पेस्टिसाइड बनाने के लिए हमें फ्रेश एलोवेरा चाहिए। आपने फ्रेश एलोवेरा ही लेना है, उसके आप पीस काट लें या जेल निकाल लें, ये दोनों ही तरीके कारगर हैं। लहसुन लें, गार्लिक लें, उसकी कलियां निकाल लें, छील कर कलियां निकाल लें। 1 लीटर पानी में आप कम से कम 8 एलोवेरा के पत्ते डाल सकते हैं। अगर आपके प्लांट कम है या ज़्यादा है तो उस हिसाब से आप क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और एक बात ये है कि आप इसको 20 मिनट से ज़्यादा मत रखें, क्योंकि एलोवेरा 15 मिनट में फर्मेंट हो जाता है, उसके बाद इसका कोई असर नहीं होता। और इसकी स्प्रे जो है वो आप धूप के समय में करें। इसको बनाने के बाद आप 15 मिनट के लिए ढक कर रख देंगे या कपड़े से बांध कर रख दें। 15 मिनट के बाद आपकी ये स्प्रे तैयार है। ये पानी को आप छान लें और स्प्रे की बोतल में भर लें। आप देख रहे हैं कि 5-10 मिनट में ही इसने हमारे पानी ने कलर चेंज कर दिया और ये हमारी अब स्प्रे तैयार है। ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र पेस्टिसाइड बिल्कुल तैयार है और इसको आपने धूप के समय स्प्रे करनी है, तब हमारे प्लांट्स को ज़्यादा फायदा होगा। और सप्ताह में आप इसे 3 बार दें। अब मैं स्प्रे इस पानी को स्प्रे बोतल में भर लूँगी। आप ये स्प्रे हमेशा धूप में करें ताकि इसका रिजल्ट अच्छा आए। मैं अपने दोस्तों को और व्यूवर्स को बताना चाहूँगी, मेरे गार्डन में जो एलोवेरा का प्लांट है वो एक मेडिसिनल प्लांट है। मेरे जाने के बाद वहाँ काफ़ी मात्रा में बेबी प्लांट्स उग गए थे, तो मैं अपने दोस्तों और व्यूवर्स को वो बिना कॉस्ट देना चाहती हूँ। जिसको ज़रूरत हो वो मेरे साथ संपर्क कर सकता है। मैं अपना नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। केवल पोस्टल खर्च देकर आप उसे मंगवा सकते हैं। मैंने सिडनी में जो भी एक्सप्लोर किया वो देखा, वो मैं टाइम टू टाइम आपके साथ शेयर करती रहूंगी।
मेरी वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ਬਸ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰਦਾ ਬੇਟੇ।